हेलो, वेलकम इन एसेंट ऑनलाइन क्लासेज। वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। टुडे इज अवर इंग्लिश क्लास फॉर क्लास फर्स्ट। टुडे इज अवर न्यू टॉपिक चैप्टर 7, पोजिशन वर्ड्स प्री पोजिशन। पोजिशन वर्ड प्री पोजिशन, जिसको हिंदी में पुरुषक या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। वी यूज पोजिशन वर्ड्स टू शो पोजिशन ऑफ ए थिंग। वी यूज पोजिशन वर्ड्स टू शो पोजिशन ऑफ ए थिंग। वे शब्द या शब्दों का समूह है, वे शब्द या शब्दों का समूह है जो आमतौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, जो आमतौर पर किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। और वह प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, और वह प्रीपोजिशन उस नाउन या फिर प्रोनाउन के संबंध रिलेशन किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है। रिलेशन किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंध या फिर रिलेशन किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। इट्स मीन्स द नाउन और प्रोनाउन। इट्स मीन्स द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विथ द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विथ द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ ऑन इन अंडर। यूज ऑफ ऑन इन अंडर। ऑन ऊपर, इन अंदर, अंडर नीचे। ऑन का हिंदी ऊपर, इनका अंदर, अंडर का नीचे। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन फर्स्ट सेंटेंस द कैट इज ऑन द बेड। द कैट इज ऑन द बेड, मतलब बिल्ली बिस्तर के ऊपर बैठी है। मतलब बिल्ली बिस्तर के ऊपर बैठी है। अब बैठे के लिए सिट वर्ब का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर बैठे के लिए सिट वर्ब का यूज नहीं हुआ है। फिर भी ऑन से उसी का अर्थ आ रहा है। फिर भी ऑन से उसी का क्या आ रहा है? अर्थ। उसी का अर्थ आ रहा है कि द कैट इज ऑन द बेड। यहाँ पर सिट का यूज ना हुआ है, यहाँ पर यूज ऑन का हुआ है। तो द कैट इज ऑन द बेड, मतलब बिल्ली बिस्तर के ऊपर बैठी है। तो यहाँ पर हमने किसका प्रीपोजिशन का यूज किया? ऑन का यूज किया। सेकंड सेंटेंस है हमारा द डॉग इज इन द कार। द डॉग इज इन द कार, मतलब कुत्ता कार के अंदर बैठा है। मतलब कुत्ता कार के अंदर बैठा है। इनका हिंदी मैंने क्या बोला था? अंदर होगा। तो इन कुत्ता कार के अंदर बैठा है। यहाँ इन प्रीपोजिशन अंदर बैठने का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर जो इन है ना, प्रीपोजिशन अंदर बैठने का बोध करा रहा है। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? अंदर बैठने का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, द रैट इज अंडर द स्टूल। द रैट इज अंडर द स्टूल, मतलब चूहा स्टूल के नीचे बैठा है। मतलब चूहा है जो क्या है? स्टूल के नीचे बैठा है। यहाँ अंडर प्रीपोजिशन नीचे बैठने का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो अंडर है वो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? नीचे बैठने का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। इसी प्रकार फोर्थ सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक टेबल के ऊपर रखी है। यानी बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। यहाँ ऑन ऊपर रखी का बोध करा रहा है। यहाँ पर ऑन किसका बोध करा रहा है? ऊपर रखी हुई बुक का बोध करा रहा है कि ऊपर रखी हुई है बुक। इसी प्रकार फिफ्थ सेंटेंस, द फिश इज इन द जार। द फिश इज इन द जार, यानी मछली जार के अंदर तैर रही है। यानी जो मछली है वो क्या है? जार के अंदर तैर रही है। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ भी गया है कि मछली है जो जार के अंदर क्या है? तैर रही है। यहाँ इन प्रीपोजिशन अंदर तैर रही का बोध करा रही है। यहाँ पर जो इन प्रीपोजिशन है जो अंदर तैरने का बोध करा रही है। सिक्स्थ सेंटेंस, द काउ इज अंडर द ट्री। द काउ इज अंडर द ट्री, मतलब गाय पेड़ के नीचे खड़ी है। मतलब गाय पेड़ के नीचे
खड़ी हैं। यहाँ अंडर प्री पोजिशन नीचे खड़ी का बोध करा रही है। यहाँ पे जो अंडर प्री पोजिशन का यूज हुआ है वो नीचे खड़ी का बोध करा रही है। तो ऑन इन अंडर, ऑन इन अंडर, ये इन सिक्स सेंटेंस में यह प्री पोजिशन इनका, ये जहाँ वो है वो उनका बोध करा रही है। ऑन का हिंदी ऊपर, इनका अंदर, अंडर का नीचे। इसी तरह संज्ञा शब्दों, सॉरी, थैंक यू।